हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। देर आर सम स्टेप्स। नंबर वन, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब एज पर द रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट। आई हैड टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, इससे पहली वाली वीडियो में बोला था कि डायरेक्ट स्पीच का टू पार्ट्स होता है, दो पार्ट्स होते हैं। नंबर वन ये होता है रिपोर्टेड वर्ब पार्ट, इट इज कॉल्ड एज रिपोर्टेड वर्ब पार्ट बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट, दिस इज द रिपोर्टिंग वर्ब, से इट इज द रिपोर्टिंग वर्ब एंड बिफोर द कमा फ्रॉम हियर टू हियर दिस पार्ट इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट। एंड दिस वन इन बिटवीन द इन्वर्टेड कमास, यहां पर जो इन्वर्टेड कमा है इसके अंदर जो पार्ट, इट इज नोन एज रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट, इट इज नोन एज रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट। सो हमारा जो सबसे पहला स्टेप जो है ना, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब, इसको चेंज करना है एज पर द रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट। ये रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। मतलब करना क्या है, ये रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट जिस तरह का सेंटेंस होगा उसी के हिसाब से ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। अगर ये एक क्वेश्चन है तो यहाँ पर सेड की जगह पर लग जाएगा आस्क्ड, अगर ये ऑर्डर है तो यहाँ पर लग जाएगा ऑर्डर्ड, अगर ये एक रिक्वेस्ट है तो लग जाएगा रिक्वेस्टेड, अगर एक्सक्लेमेशन तो एक्सक्लेम्ड, सजेशन सजेस्टेड, एडवाइस एडवाइज्ड, कमांड कमांडेड। जिस तरह का सेंटेंस होगा रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट उसी के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगा। एग्जांपल्स के जरिए और थोड़ा सा समझा दूंगा अच्छी तरह से। सेकंड स्टेप जो है ना, रिमूव ऑल द पंक्चुएशन मार्क्स एंड पुट अ फुल स्टॉप। इसका कारण ये है, अच्छी तरह से सुनिए, अ रिपोर्टेड स्पीच इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। हमेशा एक रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, रिपोर्टेड सेंटेंस जो होता है वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ना तो वो कोई क्वेश्चन हो पाएगा ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो पाएगा, खाली वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में रह सकता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का लास्ट में फुल स्टॉप ही रहता है, चाहे वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, लेकिन वो एक डिक्लेरेटिव फॉर्म में रहता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का लास्ट में एक फुल स्टॉप रहता है, बीच में एक वही क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क या लास्ट में नहीं रह सकता। उसके वजह से हमें क्या करना है, जब डायरेक्ट से रिपोर्टेड या इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, सारे पंक्चुएशन मार्क्स को हम हटा देंगे। यहाँ पर देखिए, ये कमा हट जाएगा, इन्वर्टेड कमा हट जाएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क ये भी हट जाएगा, अगर सेंटेंस के अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क वगैरह कोई भी पंक्चुएशन मार्क हो वो हट जाएगा और लास्ट में एक फुल स्टॉप लगेगा। साथ आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट वाला, यूज टू दैट इफ वेदर एज रिक्वायर्ड, जरूरत के हिसाब से, जो जरूरत है। टू का मतलब को, वो वैसे बोलने को बोला, आने को कहा, करने को, जो को साउंड आता है हिंदी में उसके लिए हम इंग्लिश में टू लगाते हैं। दैट की, वो बोला कि ऐसा ऐसा है कि, इफ यदि, वेदर भी वही सेम टू यद्यपि या यदि, ये चार वर्ड्स, वन टू थ्री फोर, चारों में से कोई एक जरूरत के हिसाब से लगाना है। नेक्स्ट जो लास्ट वाला आता है, चेंज द प्रोनाउंस ऑक्सिलरीज एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ये चार तरह के वर्ड्स कहां चेंज करना, इन द रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट। रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट मतलब इसके अंदर, इन्वर्टेड कमा के अंदर जो पार्ट है रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट, उसके अंदर जो प्रोनाउंस होगा, ऑक्सिलरीज एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, उसको चेंज करना है, वो भी एज रिक्वायर्ड, जब
कभी कभार जरूरत नहीं पड़ता है चेंज करने के लिए, जहां जरूरत पड़े ज्यादातर चेंज होते हैं, लेकिन कभी कभार चेंज करना जरूरी नहीं होता। बहुत सारे यहां पर मैंने दो ही एग्जाम्पल दे रखा है, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में काफी सारे एग्जाम्पल्स के जरिए समझा दूंगा कि कैसे ये चारों स्टेप्स यूज किए जाते हैं। और कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसका रिपोर्टेड स्पीच बनाना एक डिफरेंट टाइप्स का होता है, और उसके बारे में बताया जाएगा। अभी फिलहाल हमें ये समझना है ये चार स्टेप्स के जरिए हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना है, इनडायरेक्ट को चेंज करना है। देखिए एग्जाम्पल नंबर वन, माई फ्रेंड सेड, मेरे दोस्त ने बोला, आर यू गोइंग टू कॉलेज टूडे। जैसे कि मैंने बोला था ये जो सेंटेंस है यहां से यहां तक जो सेंटेंस है, ये जो स्पीच है डायरेक्टली मेरे फ्रेंड से बोला गया, फ्रेंड के द्वारा बोला गया है, मेरे दोस्त ने ये बात मुझे बोली। तो ये चीज को अगर मैं किसी को बोलना चाहूं तो वो इनडायरेक्ट में हो जाएगा, उसका मतलब रिपोर्टेड फॉर्म में हो जाएगा, वो एक रिपोर्ट बन जाएगा। वही रिपोर्ट को हम कैसे बताएंगे, मैं अगर किसी से बोलना चाहूं तो सबसे पहला स्टेप है चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब, इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, आज पर द रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट, रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट किस तरह का सेंटेंस है उसको लेके हम ये चेंज करेंगे, ये सेड। आप कभी कभी सेड भी बोल सकते हो, टोल्ड बोल सकते हो, कोई बात नहीं, अगर इफ यू वॉन्ट टू से दैट प्रॉपरली यू हैव टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। ये एक क्वेश्चन है, आर यू गोइंग टू कॉलेज टूडे, आज तुम कॉलेज जा रहे हो क्या, तो ये क्वेश्चन है, उसके वजह से ये सेड बन गया आस्क्ड, ये चेंज नहीं होगा। माई फ्रेंड, जैसे कि ऐसे माई फ्रेंड आस्क्ड हो गया क्योंकि इट इज अ क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट बन गया, अभी देखिए फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड रिमूव ऑल द पंक्चुएशन मार्क्स। यहां पर देखिए कमा है, इन्वर्टेड कमा है, क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ये सेंटेंस में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, खाली एक फुल स्टॉप लास्ट में, माय फ्रेंड आस्क्ड, और उसके बाद कुछ नहीं, इन मतलब पंक्चुएशन मार्क्स हटा दिया गया। थर्ड स्टेप, यूज टू दैट इफ वेदर, इसमें से कौन सा सुटेबल लगेगा, सुटेबल रहेगा। माय फ्रेंड आस्क्ड, मेरे दोस्त ने पूछा कि मैं कॉलेज जा रहा था या नहीं, यदि मैं कॉलेज में जा रहा था कि नहीं, उसके वजह से यहां पर वेदर सुटेबल, आप इफ भी लगा सकते हो यहां पर, इफ आई वाज, लेकिन वेदर इज मोर सुटेबल, वेदर। थर्ड वन लग गया, लास्ट जो है ना चेंज द प्रोनाउंस, इसके अंदर जो प्रोनाउंस रहेगा वो चेंज होगा, ऑक्सिलरीज, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। और एक चीज में बीच में इसको समझा देने के बाद बताऊंगा। देखिए ये हो गया चेंज, पंक्चुएशन मार्क हट गए, यहां पर वेदर लग गया, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर थ्री फिनिश्ड। यहां पर आर यू गोइंग, ध्यान से देखिएगा, यू जो प्रोनाउन है ये बन गया आई, आर बन गया वाज, क्यों, जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, जैसे कि ये क्वेश्चन है तो पहले ऑक्सिलरी लगा है, फिर जाके सब्जेक्ट लगा हुआ है, लेकिन हम अगर हम उसको पॉजिटिव में बनाए या फिर डिक्लेरेटिव में बनाए तो इसको बदल देना पड़ेगा, पहले आएगा सब्जेक्ट फिर आएगा ऑक्सिलरी। हम टेंस वगैरह में पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन में पहले ऑक्सिलरी रहता है, लेकिन अगर इसको हम पॉजिटिव में या नेगेटिव डिक्लेरेटिव में बना दे तो पहले आ जाएगा सब्जेक्ट फिर आ जाएगा। इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, यू आर गोइंग, जो जैसे ही है, यू आर गोइंग टू कॉलेज, तो यू आर, यू बदल गया आई में क्योंकि वो मुझे बोल रहा है, तो यू जो प्रोनाउन वो बन गया आई, मैं जा रहा था क्या, आर वेयर होना चाहिए, आर से पास्ट फॉर्म वेयर होना चाहिए, लेकिन आई के साथ वेयर नहीं लगता, वाज हो गया। उसके बाद गोइंग, वर्ब बदलने का कोई ये नहीं है, प्रीपोजिशन बदलने का कोई रूल नहीं है और नाउन बदलने का कोई रूल नहीं है। लास्ट में आ गया टुडे, टुडे का चेंज होके होता है दैट डे। मैं आप लोगों को एक लिस्ट दे दूंगा, डोंट बी कंफ्यूज्ड, डोंट वरी, यहां पर जो प्रोनाउंस, एक्सिलरीज, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, इसको क्या रहने से क्या चेंज होता है, किसमें
क्या किस में बदलाया जाता है उसका एक लिस्ट दे दूंगा, बट इन द नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा कौन सा प्रोनाउन रहने से क्या चेंज होता है, अगले सारे के बारे में एक लिस्ट दे दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा चेंज करने के लिए। फिलहाल हम ये चार स्टेप्स को समझेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये फर्स्ट एग्जाम्पल समझ गए होंगे, कैसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब बदला गया, फिर इन पंक्चुएशन मार्क हटाया दिया गया, फिर वेदर लगा, फिर ये जो प्रोनाउंस ऑक्सिलरी इसको, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम टुडे जो यहां पर टुडे था, ये एडवर्ब ऑफ टाइम वो बदल गया दैट डे में। अनदर एग्जाम्पल इज दैट शी सेड, उसने बोला आई विल बाय अ न्यू हाउस हियर, मैं यहां पर एक नया घर खरीदूंगी, सी टोल्ड। इसको हम क्या करेंगे, ये आई विल बाय ए न्यू हाउस हियर, इट इज अ डिक्लेरेशन, ये ना कोई क्वेश्चन है ना कोई एक्सक्लेमेशन या फिर सजेशन है, कुछ भी नहीं है। उसके वजह से सेड जैसे कि प्लेन में टोल्ड बन गया। फर्स्ट स्टेप रिपोर्टिंग वर्ब चेंज किया टोल्ड। उसके बाद हमारा जो पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह वो हटाए दिए जाएंगे। उसके बाद उसने बोला की लग रहा है तो उसके लिए हम दैट लगाया, उसने बोला की। उसके बाद आई, नेक्स्ट स्टेप क्या है, लास्ट में प्रोनाउंस ऑक्सिलरी चेंज करेंगे, आई बन जाएगा शी, क्योंकि मैं तो नहीं खरीदूंगा, वो बोल रही वो खरीदेगी, आई हो जाएगा सी, विल हो जाएगा वुड, वर्ब बदलने का कोई रूल नहीं है, ये सब कुछ भी बदलने का रूल नहीं है, हियर बन जाएगा देयर। क्या क्या चेंज किया, ये चेंज हुआ और ये तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हुआ, और ये जो थर्ड स्टेप टू दैट यूज करना ये वाला हुआ, और यहां से यहां तक जो है ना रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट के अंदर इन्वर्टेड कमा के अंदर जो वर्ड से वो बदलाया गया, ये वाला और ये वाला। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ गए होंगे हाउ टू चेंज द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच थ्रू दिस बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स। आप लोगों को ये चार स्टेप्स को अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा इफ यू वॉन्ट टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। सवाल ये है हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच क्यों चेंज करें। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो तो ध्यान से सुनिएगा, इफ यू हैव टॉपिक्स स्टोरीज वाट एवर यू रीड इन योर चैप्टर्स इन योर बुक्स, वो ज्यादातर डायलॉग के रूप में दिया जाता है इन्वर्टेड कमा के अंदर, लेकिन वाइल राइटिंग इन द एग्जामिनेशन राइटिंग आंसर्स इन द एग्जामिनेशन यू मस्ट राइट इन द रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में अगर जैसे कि ऐसे उतार दोगे तो आपको मार्क मिलने वाला नहीं है। और अगर आप स्टूडेंट्स नहीं हो, स्टूडेंट्स हो तो रिटन और स्पोकन बोथ दोनों के लिए काम आता है। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, वाइल स्पीकिंग टू अदर्स सपोज समवन टोल्ड यू समथिंग, कोई आपको कुछ बोला और वही बात को आप किसी थर्ड पार्टी को किसी को बोलने जा रहे हो, तो उसी की बात को अगर सीधा सीधा बोल दोगे कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। जैसे कि राम बोला आई एम गोइंग टू अमेरिका नाउ, मैं जाके हरि को बोलूंगा हरी आई एम गोइंग टू अमेरिका नाउ, तो हरी समझेगा मैं ही जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज करना सीखना बहुत जरूरी है। तो ये चार स्टेप्स आपको याद रखना पड़ेगा प्लीज। और सेकंड, ये दो ही एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसके बाद जब मैं ये स्टेप्स दे दूंगा सॉरी प्रोनाउंस ऑक्सिलरीज एडवर्ब्स ऑफ टाइम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस का एक लिस्ट दे दूंगा, उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ समझाए दिए जाएंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों ने बिना स्किप किए अभी तक वीडियो देख रहे, अगर स्किप किए होंगे तो आप लोगों के लिए घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।